Hello, Dwalthis. In yesterday class, you had studied about the coordination entity. Coordination entity or complex may be positively charged, negatively charged, or neutral. Some examples of positive, negative, and neutral coordination entities are the first one, cobalt. NS3 whole 6, 3 positive. This coordination entity is positively charged. Another example, FeCN whole 6, 3 minus, to ferricyanide, 4 minus, ferrocyanide. This is a negatively charged coordination entity. And the neutral one, nickel carbonyl NiCO whole 4. It is also a neutral coordination entity. The another example, platinum 4th with Cl2 and NS3 ka whole twice. It is also a neutral coordination entity. The next topic, central एटम, जो मेटल है उसका सेंट्रल एटम या आयन, तो इट इज अ एटम या आयन टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड सेंट्रल एटम. यानी सेंट्रल एटम वो एटम है जिसपे अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज क्या होते हैं, डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं. अब इसकी कुछ खासियत होती है. पहला, ये ऑलवेज एक्ट एज लुइस एसिड. यानी किसकी तरह बिहेव करता है, हमेशा लुइस एसिड की तरह. क्यों करता है लुइस एसिड की तरह, क्योंकि लुइस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो इसका मतलब ये जो मैंने अभी बताया, एक फिक्स नंबर होता है इनके चारों तरफ. सपोज ये सेंट्रल मेटल है या आयन, तो एटम तो ये है और आयन ये है. और इसके ऊपर ये जो आएंगे, जो मैं बॉन्ड से दिखा रहा हूँ, तो जो इसके ऊपर आ रहे हैं ये फिक्स नंबर आ रहा है सपोज. और ये नंबर यहाँ कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो जो 6 आ रहे हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या चार्ज स्पीसीज कहलाते हैं, लिगेंड्स. तो अगला टॉपिक हमारा लिगेंड है. तो हम बात कर रहे थे, लिगेंड हमेशा लोन पेयर से जुड़ता है मेटल से. तो ऐसे में मेटल को क्या होना चाहिए, लुइस एसिड, ताकि वो इस लिगेंड के लोन पेयर को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सके. इसलिए एक और खासियत है, इन मेटल्स के पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी होने चाहिए. यानी ये लुइस एसिड होने के साथ साथ क्या कंटेन करने चाहिए, ऑलवेज कंटेन एम्प्टी या वैकेंट ऑर्बिटल्स. और ये वैकेंट ऑर्बिटल ही क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बाउंड, जिसकी वजह से इन कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज लीगेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार सीख चुके हैं इसके बारे में. लीगेंड्स क्या है एक बार और देख लेते हैं. लीगेंड्स आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस. और क्या करेंगे, ये कौन होते हैं, बॉन्डेड डायरेक्टली टू किससे, सेंट्रल एटम. यानी जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं लिगेंड्स. तो लिगेंड्स आर द आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम. इनकी कुछ खासियत होती है. पहली खासियत जैसे मेटल की थी, ये क्या होते हैं, लुइस बेस, दे कैन डोनेट द लोन पेयर. सेकेंड, have a tendency, they have a tendency to, किस बात की tendency है, to donate pair, donate electron pair, यानी electron को ये क्या कर सकते हैं, donate कर सकते हैं. और सबसे बढ़िया इनकी ही खासियत होती है, to form coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें शेयर्ड पेयर जो होता है वो किसी एक ही एटम द्वारा क्या होता है, डोनेट होता है. यानी उसमें शेयर्ड पेयर दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो किसी एक का ही होता है.
ठीक है। तो ये थे आपके लिगेंड्स, इसकी और भी खासियत होती है, आई बात करते हैं, इसे मैं आगे कर लेता हूं। तो लिगेंड सबसे पहले लुइस बेस होंगे, टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, फॉर्म करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अगर हमने बात की कि ये क्या है आपका, या तो आयन है, आयन है तो कोई दिक्कत नहीं है, और या फिर क्या हो सकता है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में भी कोई एक एटम ही लोन पेयर को डोनेट करेगा, तो ऐसे में वो एटम कौन सा एटम, एटम इन द लिगेंड, अभी बात करेंगे एग्जांपल के साथ, यानी वो एटम लिगेंड में विच कैन डोनेट द लोन पेयर, विच कैन डोनेट लोन पेयर, किसे डोनेट करेगा लोन पेयर, किसे, मेटल एटम को, इस कोल्ड को ऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग एटम, यानी लिगेंड अगर सपोज आयन है, फॉर एग्जांपल सीएल माइनस, तो ये मोनो एटॉमिक आयन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बी आर माइनस यहां भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम यहीं पे कह दें ओ एच माइनस, अब इसमें दो एटम है इस आयन के अंदर, अब इसमें लोन पेयर डोनेट आपको पता है कौन करता है, ओ, तो यहां ओ बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही अगर हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे चले जाएं, फॉर एग्जांपल अमोनिया, फॉर एग्जांपल वाटर H2O, तो यहां पर लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी किसकी है, नाइट्रोजन की, और यहां ये किसकी टेंडेंसी है, ऑक्सीजन की। ऐसे में अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, तो इसमें ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और कार्बन भी बॉन्ड बना लेता है। ऐसे ही अगर हम साइनाइड की बात करें CN-, तो इसमें N भी बनाता है और C भी बनाता है। तो हम जितने एटम बता रहे हैं कि जो एटम बॉन्ड बनाते हैं, उस एटम को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एटम। इट मींस कोऑर्डिनेटिंग एटम इज अ एटम विच इज प्रेजेंट इन लिगेंड एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेटिंग एटम लिगेंड का ही वो एटम है जो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड की, कि ये जो लिगेंड थे इनके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये बॉन्डिंग कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड होता है, यानी जितने बॉन्ड बनाते हैं उसी के बेस पर हम इन्हें डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला वाला कहलाता है आपका यूनीडेंटेट, यूनीडेंटेट या मोनोडेंटेट, एज द नेम इंडिकेट, यूनी एंड मोनो बोथ आर इंडिकेटिंग, इट हैज अ डेंटिसिटी या डोनेशन कैपेसिटी ऑफ वन, यानी ये केवल वन पेयर डोनेट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं द लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट थ्रो ओनली वन डोनर एटम, यानी केवल वन डोनर एटम के सहारे अगर कोई बॉन्ड बनाता हूं, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड। और ये जितने लिखे Cl- यूनी है, OH यूनी, Br- यूनी, साइनाइड, साइनाइड में एटम दो हैं लेकिन बॉन्ड ए की तरफ से बनाएगा, या तो वो साइनाइड में N की तरफ से बना देगा तब भी एक ही आइटम इसमें डोनेट करेगा, या एन नहीं अगर डोनेट करा तो कौन डोनेट करेगा, फिर सी करेगा। यानी अगर एक बार में कोई एक ही डोनेट करे तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड। ठीक है, ऐसी सीओ, ये भी मोनो, H2O इसमें ऑक्सीजन देता है, तो ये भी क्या है, यूनिडेंटेड। सेकेंड वन बाई या डाई, बाई नेम डेंटेड या डाईडेंटेड, डाईडेंटेड इसका मतलब द लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट थ्रू द टू डोनर एटम्स, जिसमें दो डोनर एटम्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एब्रिविएशन भी यूज करने को होते हैं, जैसे ऑक्सैलेट की बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, COOH, एच चला गया COO-, COO-, तो ये जो बचा इसे हम कहते हैं ऑक्सैलेट, जबकि एच लग जाता तो ये कंपाउंड कहलाता है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलेट जो होता है, आप देख सकते हो ये ऑक्सैलेट इस ऑक्सीजन के थ्रू भी जुड़ता है और इसके थ्रू भी जुड़ता है, यानी एक ही आयन
कितने कोऑर्डिनेटिंग आइटम शो कर रहे हैं? टू। टू मीन्स ये क्या हो गया आपका बाई या डाइडेंटेट लिगेंड, और ऑक्सलेट का एब्रीविएशन नेमिंग में होता है ओ एक्स, जैसे ओ एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे देखें। इसके बाद और एग्जांपल एक और बहुत बढ़िया है इसका, इथाइलीन डाइएमाइन। इथाइलीन का मतलब एक कंपाउंड है दो कार्बन का, CH2CH2, ये इथाइलीन बन गया। अब इस पे डाइएमाइन, तो दो हमें क्या लगाने, NH2NH2। इस कंपाउंड का नाम है इथाइन। अगर हम वैसे नंबरिंग करें तो ये वन, ये टू। टू कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथेन। इथेन पे यहां भी क्या है, ये एमाइन, यहां भी एमाइन, तो नाम हो गया इसका इथेन। 1.2 डाई अमाइन, तो नाम हो गया इथेन 1.2 डाई अमाइन। और दूसरा नाम इथाइलीन डाई अमाइन, ठीक है। और तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई स्मॉल एन, ई एन। अगर कहीं ई एन लिखा जाए तो समझ लेना वो क्या था, इथाइलीन डाई अमाइन, वो इथाइलीन डाई अमाइन था, ठीक है। और उसका एब्रीवेशन है ई एन। नेक्स्ट वन चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है नेक्स्ट वन वाले। नेक्स्ट वन है आपके पॉलीडेंटेट। एज द नेम इंडिकेट, पॉलीडेंटेट मीन्स द लिगेंड हैविंग मोर देन टू डोनर एटम्स, जिसके पास दो से भी ज्यादा डोनर आइटम हो वो कहलाते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। यानी पॉलीडेंटेड लिगेंड इंक्लूड्स ट्राई डेंटेड लिगेंड, टेट्रा डेंटेड लिगेंड, पेंटा डेंटेड लिगेंड, हेक्सा डेंटेड लिगेंड। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो अगर कहीं तीन डोनर आइटम है, चार डोनर आइटम है, पांच या छह डोनर आइटम है, तो उन्हें सबको हम क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। इन पॉलीडेंटेड लिगेंड में सबसे पहला आता है डाइईन। डाइईन को बनाने के लिए देख लो, डाइईन क्या होता है मैं आपको बता दूं, डाइईन इथाइलीन डाइएमाइन का डाइमर है। अभी हमने क्या पढ़ा था, इथाइलीन डाइएमाइन या इथेन 1,2 डाइएमाइन, तो उसके दो मॉलिक्यूल को आपस में मिला दो तो वो कहलाएगा डाई इथाइल डाइएमाइन। तो जब डाई इथाइलिन डाइएमाइन हो जाएगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डाइईन। अब उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो CH2 CH2, यहां पर क्या लगा NH2, और इस पे क्या लगा हुआ था NH2। अरे NH2 था तो ये क्या था, ये था इथाइलिन डाइएमाइन। लेकिन अब ये NH2 यहीं पर क्या करने वाला है, इस NH के थ्रू ये बॉन्ड बनाने वाला है। कहाँ बॉन्ड बनाएगा, दूसरे ऐसे ही मॉलिक्यूल से। तो बना दो, इस NH के बाद फिर से क्या आ गया CH2, फिर से क्या आ गया CH2, और ऊपर की तरफ क्या आ गया NH2। तो ये पूरा इतना देखो तो ये हमें क्या दिख रहा है, इथाइलिन डाइएमाइन। और इसे देख लो इतने को तो अभी हमें क्या दिख रहा है, ये इथाइलिन डाइएमाइन। तो ऐसे में ये कहलाता है डाई इथाइलिन डाइएमाइन, इट इज कॉल्ड डाई इथाइलीन डाइएमाइन। और एब्रीवेशन इसका याद रखना, इसे हम लिखते हैं डाइईन, DIEN, डाइईन। और ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है, कैसा डेंटेड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड। यानी इसका मतलब इसमें डोनर आइटम कितने मिलने वाले हैं हमें, थ्री। पहला सबको दिख गया ये रहा वन, दूसरा NH, और तीसरा ये NH2। यानी तीन तरफ से, तीन नाइट्रोजन से, डिफरेंट नाइट्रोजन से क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, उसे ध्यान से समझना, EDTA। क्लास 11th में हमने इसके बारे में पढ़ा था। EDTA होता है इथाइलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। तो इथाइलीन डाइएमाइन तो बनाना बहुत आसान है, CH2 CH2, इथाइलीन डाइएमाइन का मतलब इस पे भी NH2, इस पे भी NH2। अब इसमें क्या लग गया, टेट्रा एसीटेट, यानी चार एसीटेट मॉलिक्यूल हो रहा है। एसीटेट क्या होता है, CH3COOH, उसका एक कार्बन इधर से जुड़ गया तो ये बन गया CH2COO-, 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 CH2COO-। इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हो, समझे। लो
बना के दिखाओ, EDDA का स्ट्रक्चर बनाइए। इथाइलीन, डायमाइन और टेट्रा क्या है यहां पे? एसीटेट। अब देखो यहां पर एक तो इससे जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा, एक इससे, मतलब जुड़ने का मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, फोर बॉन्ड यहां और एक इस नाइट्रोजन से, एक नाइट्रोजन से। टोटल कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है? सिक्स। तो इसे हम क्या कहते हैं? हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है जिसका नाम है EDTA। ये हार्ड वाटर को, सॉरी हार्ड वाटर की हार्डनेस को मेजर करने में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है, यानी लेबोरेटरी या एनालिटिकल रिएजेंट है ये EDTA। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। ये थे आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। इसके बाद अगले टर्म पे जा रहे हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स या चिलेशन। कई बार बोर्ड में टॉपिक आया है चिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय चिलेशन, या चिलेशन से स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। तो नेक्स्ट वन इज चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड की जब बात करेंगे तो इसका मतलब ये केज लाइक स्ट्रक्चर या एक एक जा, अगर हम बात करें कैसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो केज लाइक, या अगर हम बात करें तो जबड़ा टाइप का स्ट्रक्चर जो इस तरह से किसी चीज को जकड़ लेता है चारों तरफ से, तो वो कहलाता है आपका चिलेशन। तो ऐसे में चिलेटिंग लिगेंड वो होंगे जो किसी भी एक सेंट्रल एटम को चारों तरफ से जकड़ लें, एक किसी जबड़े के अंदर बंद कर लें, ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर्स में इस तरह से जैसे आपको दिख रहा है, तो वो लिगेंड्स कहलाते हैं चिलेटिंग लिगेंड। तो चिलेटिंग लिगेंड का पहला पॉइंट तो यही है कि वो लिगेंड जो कोऑर्डिनेट करता हो दो या दो से ज्यादा डोनर एटम से, यानी चिलेशन बनने के लिए चारों तरफ से बॉन्डिंग जरूरी है, इसलिए इसका मतलब चिलेटिंग लिगेंड वो होते हैं जिनके पास टू या मोर डोनर एटम। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है कौन सा होगा, और ये स्ट्रक्चर जो बनेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, चिलेशन। क्या हो सकता है, एक कंपाउंड में लिखता हूं CuEn होल ट्वाइस पॉजिटिव। तो ये देखो कॉपर और ये क्या है, इथेन 1,2 डायमाइन का होल ट्वाइस, यानी ये Cu को सराउंड कर रखा है किसने, CH2। ये क्या है अब NH2, यहां भी क्या है NH2, ये तो एक हो गया EN, एक और EN है यहां पे NH2 CH2 CH2 NH2। तो अब आप इसे देखोगे ये स्फीयर बन गया, यहां से इसने बॉन्ड बनाया, इसने बॉन्ड बनाया, इसने बॉन्ड बनाया, इसने बॉन्ड बनाया, प्लस प्लस। तो ऐसे में ये लिगेंड कहलाएंगे चिलेटिंग लिगेंड और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा चिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंटिसिटी। नेक्स्ट वन इज डेंटिसिटी। बस बहुत आसान है, जो हम बोलते आ रहे हैं मोनोडेंटेट डाइडेंटेट, इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ लीगेटिंग ग्रुप या डोनर ग्रुप, लीगेटिंग ग्रुप्स। द नंबर ऑफ डोनर एटम्स या नंबर ऑफ लीगेटिंग ग्रुप्स इन अ लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी, ठीक है। तो डेंटिसिटी इज अ नंबर ऑफ बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ लिगेंड। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्बीडेंटेट लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट, सबसे पहले तो याद रखना एम्बीडेंटेट इज ऑलवेज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी ये मोनोडेंटेट होगा, लेकिन ये मोनो में भी स्पेशल टाइप का मोनो होगा। ये वो लिगेंड होगा जो इधर से भी जुड़ जाता है या इधर से भी जुड़ जाता है, लेकिन जुड़ेगा एक टाइम में एक ही तरफ से, यानी हमेशा ये बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी रखेगा अपनी, वन, लेकिन इसके पास होंगे मोर देन वन डोनर एटम्स। तो हम क्या कह सकते हैं, द मोनोडेंटेट लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एटम थ्रू मोर देन वन साइट, यानी वो मोनो होंगे लेकिन एक से ज्यादा साइट से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड, और ज्यादा नहीं होते, कुछ ही होते हैं ये। सपोज जैसे हम कहें NO2, तो ये है आपका नाइट्रो, तो ये नाइट्रो जो होता है आपका ये N के थ्रू भी जुड़ सकता है, तो इसे हम कहते हैं नाइट्रीटो। क्या कहते हैं इसे,
नाइट्रीटो, और जब ये NO2 O के थ्रू जुड़ता है, इस O के थ्रू, तो ये कहलाता है नाइट्रीटो O। दिखने का थोड़ा सा अंतर है, नाइट्रीटो O। और जब ये N से जुड़ेगा, सपोज ये मेटल है और यहां ये मेटल है, तो ये कहलाएगा नाइट्रीटो N। तो बताएगा वो आपको कि इसमें बाइंडिंग N की तरफ से है और इसमें O की तरफ से है। ऐसे ही साइनाइड की बात की थी मैंने अभी, ये मेटल, और मेटल के साथ इस बार साइनाइड का CN जुड़ा है, C जुड़ रहा है, तो ये कहलाएगा साइनाइड। लेकिन दूसरी तरफ मेटल से इस बार N जुड़ रहा है, साइनाइड का क्या जुड़ा है, N, तो ये कहलाएगा अब आइसोसाइनाइड। ऐसे और भी एग्जांपल होते हैं, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, इस तरह से नाम होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, टर्म, इसी टर्म का नेक्स्ट टॉपिक है वो भी, यानी हम इम्पोर्टेंट टर्म्स में भी नेक्स्ट टॉपिक को देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ, इसे कई तरीके से निकाल सकते हैं, इज अ नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। लेकिन वो जो लिगेंड होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर मोनो फोर जुड़े हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, फोर। लेकिन अगर वो डाई हैं, डाई, तो ऐसे में उनका ट्वाइस करना पड़ेगा, सपोज टू डाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, फोर। तो अगर उसे हम सिंपल डेफिनेशन में बताएं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद द सेंट्रल मेटल। यानी अब हम ये नहीं देख रहे वो मोनो है, डाई है, ट्राई है, अब तो हम केवल ये देख रहे हैं कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, तो उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल हमने कहा CoEN का होल थ्राइस प्लस प्लस प्लस, या हमने कह दिया AgCN का होल ट्वाइस माइनस। तो ऐसे में सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां कितना है, CN साइनाइड है, मोनोडेंटेट, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, टू। और ये EN क्या होता है, डाइडेंटेट, और है कितने, ये यानी डाइडेंटेट ने कितने लिगेंड रख रखे हैं, थ्री, तो दो कितने टाइम आ रहा है, थ्री टाइम, तो टोटल कितने बॉन्ड बने यहाँ पर, सिक्स। तो CO का यानी कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया यहाँ पर सिक्स। ठीक है, ऐसे हमने एक और लिखा, चलो इसका नाम बताओ, Fe C2O4 माइनस, चलो यहां लगाते नहीं माइनस, Fe C2O4 होल थ्राइस थ्री माइनस। बताओ ये लिगेंड क्या है, C2O4, एनीबडी टेल व्हाट इज दिस, अभी बताया था ऊपर, C2O4 COO, यस इट इज ऑक्सलेट। अगर ये ऐसा ना लिखता है, इसे ऐसे लिख सकता था, FeOH का होल थ्राइस, अगेन ये फिर से क्या है, डाइडेंटेट लिगेंड, 2 × 3, टोटल बॉन्ड इक्वल टू 6, तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना हो गया, 6। ठीक है, और टॉपिक एक और बात कर लेते हैं, बढ़िया टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके बेस पर हमें चार्ज निकालना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, यानी जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं हम, कि वो कैसे निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ चार्ज, वो भी कहां होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इज अ चार्ज कैरीड बाय द सेंट्रल एटम इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा AgCN का होल ट्वाइस, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है निगेटिव। ठीक है, अगर मैं सपोज CN की बात करूं, तो आप सबको पता है CN निगेटिव वन चार्ज दिखाता है, कितने CN है, टू, तो टोटल निगेटिव कितना हो गया, टू निगेटिव, बाहर कितना आ रहा है, वन निगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज आ रहा है वन निगेटिव, और यहां कितना चार्ज है, टू निगेटिव, तो AG ने कितना चार्ज दिखाया जिसकी वजह से टोटल चार्ज निगेटिव वन बना, निगेटिव टू। अगर मैं AG को प्लस वन कर दूं तो प्लस वन और निगेटिव टू मिलकर क्या बना देंगे, निगेटिव वन, तो ऐसे में AG के ऊपर जो चार्ज आया वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो यू कैन डिफाइन इट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज अ चार्ज कैरीड बाई द सेंट्रल एटम If all the ligands are removed with their electron pair,
और इसे हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। इसे हम पिछले साल जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था रिडॉक्स, उसमें जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे वैसे भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल निकिल कार्बोनिल का होल फोर, अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल, तो ऐसे में इक्वल टू जीरो माना जाएगा। निकिल को एक्स मान लो प्लस सीओ की ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाई फोर इक्वल टू जीरो, सीओ भी जीरो होता है न्यूट्रल लिगेंड, एक्स प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, यानी यहां पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो। CuCN का होल फोर माइनस 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 CuX प्लस CN माइनस वन होता है इंटू फोर, और इक्वल टू किसके इक्वल टू होगा, थ्री निगेटिव के, माइनस थ्री। तो X माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर, और ये आ गया आपका प्लस वन, यानी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वन। ठीक है, अब सबसे छोटा टॉपिक और सबसे लास्ट टॉपिक आज की क्लास का डिस्कस करते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है होमो, यानी वो कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल जो बाउंड है या बॉन्डेड है वो वन टाइप के लिगेंड से अगर जुड़ी हुई है तो कहलाता है होमोलेप्टिक। यानी जितने भी मैंने अभी तक तुम्हें एग्जांपल दिखाए, ये या ऑक्सलेट है या साइनाइड है या ये देखो ये रोशनी अच्छी आ रही है, या इथाइलिन डायमाइन है या साइनाइड है या कार्बोनिल है ये ऊपर, ठीक है, यहाँ ऊपर फिर साइनाइड आया, तो ऐसे में जितने भी आपने ये कॉम्प्लेक्स देखे इन सब में केवल एक ही तरह के लिगेंड थे। फॉर एग्जाम्पल एक और दिखा सकता हूं मैं, जैसे हम बात करें पीटी एन एच थ्री होल सिक्स फोर प्लस, तो ऐसे में जितने भी हैं कितने हैं, वैसे सिक्स हैं लिगेंड्स, लेकिन सिक्स के सिक्स हैं क्या, एन एच थ्री, तो वन काइंड ऑफ है, तो वन काइंड ऑफ है द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड होमोलेप्टिक। लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तो वो क्या कहलाता है आपका, हेट्रोलेप्टिक। क्या होता है हेट्रोलेप्टिक, बहुत आसान है, देख लो एग्जाम्पल बताएं तो इसी का बना सकते हैं, कोबाल्ट सी एल टू, और यहां हम कर सकते हैं एन एस थ्री का होल फोर, ये रहा, तो इसमें देखो दो सी एल यानी दो लिगेंड सी एल के हैं और फोर लिगेंड किसके हैं आपके, देखो ध्यान से, अमोनिया के, तो ऐसे में टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहां कितना है अभी भी, सिक्स। जैसे ऊपर वाले को अगर देखो इसी को मैं हेट्रोलेप्टिक बना सकता हूं, पीटी एनओ टू सी एल और साथ में कर दिया मैंने एन एच थ्री का होल फोर, तो यहां अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर वन टू और फोर सिक्स है, लेकिन अब इसमें कितने तरह के लिगेंड है, एक नाइट्रो एक क्लोरीडो और एक अमाइन, तो टोटल लिगेंड कितने तरह के हो गए, थ्री टाइप के, तो ऐसे में ये क्या कहलाएगा आपका, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब इतना ही, कल हम करेंगे इसकी नेमिंग और फॉर्मुलेशन। एक और इम्पोर्टेंट बात, आज आपका टेस्ट होने वाला है, वो टेस्ट आपका हाफ मार्क क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन है, 10 मार्क का टेस्ट है, सभी तरह के क्वेश्चन है, आप उसे वन वर्ड में भी आंसर दे सकते हो, और नहीं तो आपको कैलकुलेशन करके तब उसका आंसर चूज करना है। एक ही बार आपको उस लिंक को क्लिक करना है, सही आंसर बताने के बाद आप उसे भेज दीजिए, उसका फिक्स टाइम है 10:30 पे वो लिंक आएगा और 11 बजे वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी 11 बजे के बाद आप उस पर टेस्ट नहीं दे सकते। तो जितने बच्चे टेस्ट दे पाएंगे उनका टाइम शेड्यूल फिक्स्ड है 10:30 to 11, तो आप उसने ही टाइम पर उस लिंक को ओपन करें और उस टेस्ट में जितने ऑप्शन दिए उन्हें चूज कर लें, वो मेरे पास सेव हो जाएगा, आप अपनी एंट्री जरा ध्यान से करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।